हरियाणा बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जो छात्र छात्राएं हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, उन सभी के लिए एक शानदार खबर सामने आई। दरअसल हरियाणा बोर्ड 10वीं क्लास के रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 मई तक जारी किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले परिणाम 10 मई तक जारी होने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी के चलते इसमें देरी हुई है। आपको बता दें कि इस साल हरियाणा बोर्ड की ओर से एग्जाम का आयोजन 17 फरवरी से 26 मार्च के बीच किया गया था। वहीं इस साल हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में लाखों छात्र शामिल हुए थे, जिन्हें अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। हरियाणा बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन बता दें कि 10वीं के परिणाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद डायरेक्ट लिंक bseh.org.in पर एक्टिव हो जाएगा, जहां से स्टूडेंट्स रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर परिणाम चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड की ओर से पास परसेंटेज समेत अन्य आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर परिणाम सेक्शन पर क्लिक करना होगा, फिर हरियाणा बोर्ड रिजल्ट 2024 पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। अब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा और सबमिट करना होगा। इतना करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। अब मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट भी रख लें। बता दें कि बोर्ड द्वारा 10वीं के रिजल्ट का लिंक सुबह होते होते वेबसाइट पर एक्टिव किया जा सकता है, जिसके बाद स्टूडेंट अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे। वहीं छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूल में मिलेंगे। ऐसे छात्र जो एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग लेकर इसी साल 10वीं में पास हो सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं को उनकी उम्मीद से कम अंक मिलते हैं, तो वे अपनी कॉपियों की फिर से जांच भी करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर करना होगा। ऐसे छात्र जो एक या दो विषयों में फेल हो जाएंगे, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी कंपार्टमेंट के लिए तय तिथियों में आवेदन करके एग्जाम में भाग ले सकते हैं और अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।